नमस्कार दोस्तों, जय गोमती ग्रामीण। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ और सुखी होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम क्लोजिंग के विषय पे आप सबसे बात करेंगे। क्लोजिंग कैसे करानी है, क्या दिक्कतें क्लोजिंग में आ रही हैं? कहीं ना कहीं हमको विश्लेषण करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हम अपने टारगेट को, अपने न्यू बिजनेस को क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सारे ब्रांचों पे टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है, 50% टारगेट भी कवर नहीं हो रहा है। इस पे हमको विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी रह जा रही है, हमारे वर्क में कमी रह जा रही है, हमारे फॉलोअप में कमी रह जा रही है, आखिर क्यों ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। सितंबर महीने की तीसरी क्लोजिंग हो चुकी है और तीसरी क्लोजिंग में हमने क्या अचीव किया है, ये हम आप सबके सामने हैं। दोस्तों, क्लोजिंग का मतलब सिर्फ रिन्यूअल ला के जमा कर देना नहीं होता है। क्लोजिंग का मतलब होता है महीने में 4 क्लोजिंग होती है, तो हर क्लोजिंग वाइज हमने कितना न्यू बिजनेस बैंक को दिया, हमने कितना जनवी किया, जनवी मतलब कितना अकाउंट खोला हमने, कितना एफडी किया, कितना पेंशन किया, बैंक मित्र हमने कितने बनाए, कितना कन्वर्जन किया हमने, ये सारी चीज़ें होती हैं। बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस का मतलब न्यू बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, खासकर हम बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमने नया बिजनेस कितना दिया, ये डिपेंड करता है ग्रोथ को, हमारी ग्रोथ को, हमारे ब्रांच की ग्रोथ को डिपेंड करता है कि हमने क्लोजिंग वाइज क्लोजिंग कितना नया बिजनेस दिया। तो पुराने बिजनेस के साथ साथ हमारा फोकस हमेशा नए बिजनेस पे होना चाहिए कि हमने एफडी कितना किया, पेंशन कितना किया, कन्वर्जन कितना किया, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने बैंक मित्र कितने बनाए और उनको ट्रेंड किया कि नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब लास्ट क्लोजिंग हमारी बाकी है महीने की। हर ब्रांच का जो टारगेट है, उस टारगेट को जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं हर ब्रांच पे, उनको समीक्षा करने की ज़रूरत है। जितने भी सीनियर हैं उनको समीक्षा करने की ज़रूरत है। इतने हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, हेड मैनेजर हैं, ZBM हैं, सबको समीक्षा करने की ज़रूरत है। जितने सीनियर मैनेजर हैं, लास्ट क्लोजिंग तक हम अपने टारगेट को पूरा कर लें। जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ साथ रिजल्ट भी हमारा आना चाहिए। सिर्फ प्रोसेस से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पुरस्कार रिजल्ट को ही मिलता है। रिजल्ट आता है तो ही पुरस्कार मिलता है, बिना रिजल्ट के पुरस्कार किसी को नहीं मिलता है। प्रोसेस भी ज़रूरी है, बिना प्रक्रिया के रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमसे कमी छूट रही है, कहाँ हमारी कमियाँ रह गई हैं, उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है और अपने टारगेट को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय गोमती ग्रामीण। धन्यवाद।